फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह एक नए वीडियो के साथ आज हमारा दिन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सुबह होते ही मैं इधर आके थोड़ी देर खड़े रहती हूँ, फिर जाके जो घर का काम वाम है वो सब कुछ करती हूँ। देखो अभी टाइम हो रही है 8:30, तो धूप देखो कितना कड़क धूप है बाहर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे, तो हैप्पी संडे सबको। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं नहा के धो के घर का सब काम वाम सब कुछ करके मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं जाऊँगी मार्केट, थोड़ी सामान लेना है क्योंकि आज तो संडे है तो चिकन या मटन कुछ तो बनेगी। तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। आप लोग देख, एक बात बताओ, हस्बैंड लोगों का ना हफ्ते में एक दिन या दो दिन छुट्टी मिल ही जाती है, लेकिन हम लोगों का तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है। रोज़ हर रोज़ खाना बना, वही सेम। छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा खाना बनानी पड़ती है। सुबह का कुछ ऐसे तो हर रोज़ वैसे वो पूरी वगैरह बनती रहती है, लेकिन संडे के लिए कुछ अलग सोचना पड़ता है कि एग रोल, चाउमीन या क्या कुछ बनाएं। तो सुबह वही बनाना पड़ता है, फिर जाके खाना, फिर रात को रोटी या सब्ज़ी या कुछ डिलीशियस कुछ बनाना पड़ती है। तो हम लोगों की एक भी छुट्टी, हाँ, लेकिन हमको हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिल जाती है। जिस दिन हस्बैंड का फुल डे ड्यूटी होती है ना, उस दिन मैं खाना बना कुछ भी नहीं बनाती। तो हम ये सब कुछ धो डाला जो है हफ्ते में। मैं सब कुछ मतलब सैटरडे या फिर फ्राइडे को ना सब कुछ, जो बेडशीट होता है, जो पिलो कवर होता है और जो कपड़ा रहता है वो मैं हाथ से ही धो देती हूँ। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे मैं अभी जहाँ पे रहती हूँ सिर्फ ये 1 BHK है। ये देखो ये ड्रम है, एक टाइम पानी आती है सुबह 8 बजे को, 8 बजे से 9 बजे तक पानी रहती है। उसके बाद सारा दिन पानी नहीं आती है, तो उस पानी को इधर स्टोर करनी पड़ती है। मुंबई में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है इधर रहने का जगह नहीं है, और दूसरी बात पानी का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है।
तो बस 1 घंटे के लिए पानी आती है और इसको फुल स्टोरेज करनी पड़ती है। इसीलिए हम रात को सब कपड़े धो देती हूँ क्योंकि ड्रम खाली हो जाती है और सुबह पानी आ जाती है और वो पानी मैं स्टोर कर लेती हूँ। इधर भी एक टैंकी लगा हुआ है लेकिन ये पानी से मतलब पूरा दिन नहीं होती, सफिशियंट पानी नहीं है। तो फटाफट मैं मार्केट जाती हूँ क्योंकि मार्केट से आके मुझे संडे स्पेशल मेनू भी बनानी है, खाना बनानी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहो। तो यहाँ पर हमने मटन का सब कुछ प्रिपरेशन कर लिया है। यहाँ पर है अदरक और लहसुन की पेस्ट और यह है जीरा पाउडर, उसके साथ एक हरी मिर्च और ये टमाटर पेस्ट और ये धनिया पाउडर और ये हल्दी पाउडर और यहाँ पर है 400 ग्राम्स मटन। इसको अभी हम मैरिनेशन करके 1 घंटा या आधा घंटा छोड़ देंगे। इसको हम अच्छी तरह से धो के सब पानी वानी सब कुछ ड्रेन आउट करके रख दिया है। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। अभी हम इसमें नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा देंगे। और ये मटन पूरा का पूरा सरसों के तेल से हम बनाएंगे तो मैरिनेशन के टाइम पे भी सरसों का तेल देंगे। और मैरिनेशन के टाइम पे भी ये है सनराइज का गरम शाही गरम मसाला, ये मैं घर से लाई हूँ। तो इसको हम दे देंगे, थोड़ा सा देंगे अभी, फिर कुक होने के बाद फिर देंगे। और यहाँ पर है 3 प्याज, इसको हम मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने मैरिनेशन कर लिया है, अभी इसको हम आधा या 1 घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। यहाँ पे खाना बन के बिल्कुल रेडी है। ये रहा राइस और यहाँ पर है यम्मी यम्मी मटन करी, एकदम परफेक्ट। इतना सही, मैं कुछ शॉर्ट्स वीडियो बना रही थी इसलिए मेकअप किया। तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो चलते हैं, बाद में मिलते हैं।